ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਮਿਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਉਹ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇ। अकाली दल भी आ गया, कांग्रेस भी आ गई, बीजेपी भी आ गई, बीएसपी का भी स्वाद देख लिया। सानू इस गल का अभी थोड़े से माण करते हैं कि तुम दिल्ली वर्गी सरकार साढ़े पंजाब के लिए आ रहे हो। पहला सरकार ने साढ़े बहुत वादे किए पर कोई पूरा नहीं। चन्नी साहब वालों वादे दावे किए जा रहे, बिल माफ किए जा रहे, बारे की कहना? बारे हजे साडा तां जी कोई बिल बुल माफ होया नहीं। आज जिहड़ियां सरकारां दावे वादे करदी की लगदा कि वो पूरे होंदे आ? बाकियां दा मैनूं पता नहीं, मैनूं केजरीवाल जी दा पूरा विश्वास है। वड्डियां सरकारां जिहड़ी पंजाब दे विच सीगियां उहनूं छड्ड के असीं आम आदमी पार्टी नूं चुणदे पए, क्योंकि वो सारे गरीब मजदूरां दी बेरोजगारां दी मदद करदे आ ते उहनां नूं कांग्रेस पार्टी बारे कुछ कहना चाहोगे? असं यही कहोंगे भी पिछले वर्गे हालात ना हो जो कांग्रेस के राज विच होए आ, दुनिया बर्बाद हो गई, नशे नाल तबाह हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, भुखे मर गए, समगलर वध गए। इत्थे कांग्रेस ने हमेशा लुटिया ते कुटिया ही। आम आदमी पार्टी की उम्मीद की थी कि इन्ना ज़्यादा राशि जरा इन्ना ज़्यादा कट होकर अज उभरिया है? जे सच कही तो असी बहुत चांचे स्नेह लाए सी, पर कई बार अज का वर्किंग डे सी, सानू इस गल का कोई ख्वाब भी नहीं सी कि 300-400 बंदा हो जूगा, पर जो 3000 बंदा हो गया, क्योंकि लोग अज की डेट से चाहते आ कि आम आदमी पार्टी नू एक मौका केजरीवाल साहब भी देना चाहिए। नमस्कार, मैं ताड़ा अपना सुनील कुमार और स्मार्ट इंडिया डायल देख रहे सभी दर्शकों का ताडे अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज असी तानू लैके आए हैं जलंधर दे विच, जिथे कि एक आम आदमी पार्टी की एक अहम मीटिंग जिहदे विच अपनी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन उन्होंने वालों किया जा रहा है, कट किया जा रहा, जिहदे विच वड्डे तो वड्डे अधिकारी आम आदमी पार्टी के इत्थे पहुँच रहे हैं। असी इस टाइम आके खड़े हैं जेसी रिसोर्ट, जिथे कि आम आदमी पार्टी की मीटिंग होने वाली है। असी तुहानू दिखावांगे किस तरीके नाल मीटिंग हुई, और मीटिंग दे विच की की उन्होंने वालों अनाउंसमेंट की गई, और कि अधिकारी इत्थे पहुँचे, किस तरीके का इत्थे कट किया गया, और की उन्होंने वालों वादे किए जा रहे हैं, सारा ताडे अपने चैनल पर तस्वीर के दिखावांगे। आओ चलते हैं और तुहानू दिखाने हैं किस तरीके नाल मीटिंग चलती पी और कि अधिकारी ये पहुंचते पे। कोई काम नहीं कर सकता साडे पंजाब दे विच। केजरीवाल साहब ने घर घर मैडिकल वाले च मैडिकल खोल देने, सरकारी हस्पताल वधिया बना देने, स्कूल वधिया बना देने, आपू एजुकेशन फ्री मिलनी है। और वीरो हूँ समा बहुत वधिया वा, हूँ ना धोखा खायो। एक मिनट वाली गल है भाई, झाड़ू ते मोहर ला के एक तरफी केजरीवाल सरकार बना और पंजाब की सुख की नींद सौ सके। और मैं फिर बेनती करता हाँ कि केजरीवाल साहब की सरकार ने बनाओ ते पंजाब दे विच आपां सुख शांति नाल वसीए। मैं एक नारा लाणा जरा जोर शोर नाल, क्योंकि अज जिहड़ी ये रैली नहीं, ये ते रैला बन गया, कुर्सियां मुक गईआं, कुछ लोग सब खड़े आ, किड्डा वधिया ये दिल्ली तक पता लगना कि जेसी रसोड़ दे विच सेंटर हल्के दे विच इक रैली हुई आ, ये दिल्ली तक ताडा मैसेज पहुंचना वा। जो कि
जिन्होंने आपकी दान ते छान एमपी साहब की इलेक्शन लड़ी पकवंत सदर के अज सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच आपा एक प्रोग्राम जनसभा दे विच आपा रखना चाहते हैं। जिदा ही हुक्म होया मैं तो उन्हां दा हुक्म संगत के चरणों के बेनती के रूप किया। मैं तुहाडा धन्नवाद करदा कि तुसीं इक इक कदम चल के सैकड़ों की गिनती के हजारों की गिनती में इत्थे पहुंचे हो। ग्यासपुरा साहब बेशक 40-45 मिनट लेट आए आ, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करदा कि तुसीं उस तरह ही इस महफिल नूं सजाउण दे विच साडा साथ दे रहे हो। क्योंकि अज ट्रैफिक बहुत जाम सी जिहदे करके कि सानूं वी तुहानूं वी ते ग्यासपुरा साहब नूं वी इस गल दा समापन थोड़ा जिहा ज्यादा जरूर लग गया, पर आपां कोशिशां कीतीआं। मैं तुहानूं इक गल अज बेनती करना चाहुंदा कि आपां इस पंजाब दे विच इस तरह दा राज लिआउणा चाहुंदे आ कि आपां नूं इस तरह महसूस होवे कि असीं अपने परिवारां दे विच बैठे आ। मैं जदों लोकां दे विच मीटिंगां करन जांदा मैनूं इक गल दा बड़ा अफसोस हुंदा कि मेरे गरीब भाईचारे दे लोक इह गल कह के मेरा मन बहुत दिखाउंदे आ कि मैनूं हले तक कोई स्कीम नहीं मिली। सरकार जिहड़ी आ इह अन्नी ते बोली, इहने कदी तुहाडी कोई गल नहीं सुननी। मैनूं लोक कहिंदे आ कि आम आदमी पार्टी एक गल लोगों के विचार के मैं लियानी चाहना जी कि मैं बार बार ग्यासपुरा साहब लोग कहते हैं कि अकाली दल भी आ गया, कांग्रेस भी आ गई, बीजेपी भी आ गई, BSP का भी स्वाद देख लिया। तुसी सानू इस गल का असी तुहाडे ते माण करते हैं कि तुसी दिल्ली वर्गी सरकार साढ़े पंजाब दे विच लिया रहे हो, क्योंकि केजरीवाल साहब की साढ़े पंजाब दे विच की लोड़ पई। सरकारां चलदियां पईआं सी पर लोकां ने इन्नी परेशानी तुहाडे कोलों देख देख के जो साढ़े इन्ना भयानक बीमारी आई कोविड की, तुसीं एक गल का ध्यान दिओ कि एक भी चीफ मिनिस्टर दुनिया का जिन्हें भी अपने हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टर आ, तुसीं एक का भी नाम दसो कि जिहड़ा अपने चैनल पर या लोगों के विच जावे। पर जदों असी TV ऑन किया पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी के वलंटियर ते दिल्ली दे विच CM हमेशा तुहानू सड़कां ते दिखाई दित्ती आ। इत्थे राज उस महाराजा रणजीत सिंह दा लोकां ने देखिआ आ जिहनूं कि लोकी लोहा लगाया करते सी तां उह पारस सोना बना दिया करदा सी। क्योंकि मैं भी कथा कहानियां सुनियां, मैं इह गल नहीं दस सकदा कि उह केस राइटर ने लिखिआ। महाराजा रणजीत सिंह अपने राज दे विच चल रहा सी, एक गरीब माई तवा लैके जदों पिछे भज्जी तां उहदे सैनिक कहिंदे बीबी की कर रही है, कहिंदी मैनूं किसे ने दस्सिया कि उह पारस आ जिहनूं आपां लोहे दा तवा लाईए तां सोने दा बना के दे दिंदा है। महाराजा रणजीत सिंह साहब ने कहा इहनूं आउण दिओ, इहनूं जिन्ना इहदा तवा जिन्ना भारा है उन्ना इहनूं भार दे विच सोना दे दिओ। पर अज उस राज तो बाद अज दा राज देख लो, साडियां मावां भैणां बजुर्ग इस गल लई कही जांदियां सानूं पेंशन नहीं दित्ती जांदी, मेरी पेंशन नहीं लगी, मेरा कार्ड नहीं बनिया, मेरा नीला कार्ड नहीं बनिया। पर तुसीं कौन चीफ मिनिस्टर देखो जिहड़ा दिल्ली तो आके जिहड़ी भी उहदे स्कीम लैंदी आ उहदे च तुहानूं किसे दे दर ते जाण दी लोड़ नहीं पैणी। तुसीं सवाल देखो इस गल दा, जे उहने कहा बिजली 24 घंटे तां सब नूं 24 घंटे, जे उहने कहा 300 यूनिट माफ तां सब नूं 300 यूनिट माफ, जे उहने कहा मैडिकल सब नूं फ्री ते किसे नूं किसे दर ते जाण दी लोड़ नहीं, किसे कौंसलर नूं लभण दी लोड़ नहीं, किसे MLA नूं लभण दी लोड़ नहीं, किसे MP नूं लभण दी लोड़ नहीं, सब दा ही मैडिकल फ्री। तुसीं देखो उहने इह गल कह दित्ती कि पर्ची बनाउण तों लै के जिड्डा मर्जी वड्डा प्रेशर होवे मैं तुहानूं सारी मैडिकल फैसिलिटी जिहड़ी आ उह फ्री देणी है। अज मैं इत्थे तुहाडे नाल गल करन आया अपनी आम आदमी पार्टी की, ते इहदे नाल नाल पंजाब की पुरानी पुरातन तस्वीर की। जे असीं देखिए
कि साडा पंजाब जिहड़ा कदे गुरुआं पीरां दी धरती जिहड़ा कदे रंगला पंजाब होया करदा सी जिहड़ा पंजाब कदे रंगला पंजाब अज कंगला पंजाब बन गया। साडे पंजाब दे जिहड़े सूरवीर नौजवान सी उहनां नूं नशियां दी दलदल दे विच धक्क दित्ता गया। एक सोची समझी साजिश दे तहत साडियां पीढ़ियां नूं जे तुसीं देखो कि 1947 तों बाद लगातार उहनां दा घाण कीता जा रिहा। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 21 ਜਨਵਰੀ 2011 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਜਹਾਂ ਏਸੀ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਮੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਬਾਤੇ ਬਣਾ ਸਕਤੇ ਹੋ, ਜਬ ਇੰਦਰਾ ਕੋ ਮਾਰਾ ਹਮਾਰੇ ਗਾਓਂ ਕੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਗਾਓਂ ਥਾ, ਉਸ ਗਾਓਂ ਕੇ ਸਭੀ ਸਰਦਾਰੋਂ ਕੋ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਵਹਾਂ ਕਿਸੀ ਨੇ ਪਾਉਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਡਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਨਕਾ ਅੰਤਿਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਤੱਕ ਤੋਂ ਕੀਆ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 22 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 79 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਲ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਔਰ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 2011 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 84 ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 12 ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਫੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਮਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ? ਲੀਨਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਥੀ, ਆਪ ਉਸਮੇ ਆਏ ਥੇ, ਤੋ ਉਨਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਏ ਗਏ ਹੈਂ, ਕਿਆ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਆਪ ਉਨਸੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਆ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ? ਆਏਗੀ। ਤੋ ਕਿਆ ਆਪ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ? ਹਾਂ ਜੀ। ਉਨਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਏ ਗਏ ਹੈਂ, ਕਿਆ ਵੋ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ? ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੂਗੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।
वह सारे वादे पूरे करते हैं, वह गरीबों की हेल्प करते हैं। साडे रिश्तेदार दिल्ली च रहिंदे, उह सानूं स्नेह भेजदे, फोन करते हैं भी वोट केजरीवाल साहब नूं पायो, भाई बहुत वधिया इंसान ने यह, सानू कितों कदे कोई इंसाफ नहीं मिले। इस तो पहला आम आदमी पार्टी नहीं सी, आपा केड़ी पार्टी नू सपोर्ट करदे सी? आपा अकाली नू सपोर्ट करदे सी बहुत। ते की अकाली दल ने निराश कीता? बिल्कुल निराश कीता जी, साडे बच्चे बेरोजगार हो गए, जवान मावां दे पुत मर गए नशियां दे विच, नशा बहुत आया पंजाब दे विच, ये रोक भी सकते सीगे, कई मावां एक एक पुत दीआं मावां जिहड़ियां बाज होके बह गईआं जिन्हां दे पुत जवान चले गए, ये नशिया ने बहुत घर बर्बाद किए, साडे बच्चों नूं कोई नौकरियां नहीं मिलियां, साडियां नौहां धीआं पढ़िया लिखिया सी, कोई नौकरियां नहीं किसी ने दित्तियां, वादे बहुत वड्डे वड्डे किए सी इन्हां ने, असी ये रैलियां चाहुंदे रहे हैं। बिल्कुल अकाली जिहड़ा चन्नी साहब वालों वादे दावे किए जा रहे, बिल माफ़ किए जा रहे, उहदे बारे की कहना? उहदे बारे हजे साडा तां जी कोई बिल बुल माफ़ होया नहीं, एवें झूठ कहीए, साडे तक कोई पहुंचया नहीं, कोई अजे बिल किसी का माफ़ होया नहीं। कांग्रेस पार्टी बारे कुछ कहना चाहोगे? असी यही कहांगे भी पिछले वर्गे हालात ना होण जो कांग्रेस के राज विच होए आ, दुनिया बर्बाद हो गई, नशे नाल तबाह हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, भुखे मर गए, समगलर वध गए, इत्थे झूठियां थाणियां दे विच इंसाफ नहीं लोगों नूं मिलता, दुनिया बहुत बर्बाद हो गई। असी ये कहना चाहते हैं कि एक गरीब नूं अमीर नूं एक होना चाहिए, आम आदमी पार्टी का सारे सहयोग देन, आम आदमी पार्टी कुछ जरूर करूगी। की नाम जी अपना? मेरा नाम अनूप कौर दकोआ जी, असी जरनैल सिंह आ साडे पिंड दा सरदार, असी हर रैली च उन्हां दे नाल शामिल होवांगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तुसीं देखिया कि जिहड़े कि इस रैली दे विच साडी बीबियां पैना इत्थे आईआं होईआं सी, उन्होंने अपने विचार तुहाडे सामने रखिया, किस तरीके नाल उन्होंने दस्सिया कि असी जिहड़े कि इकट्ठे हो के जिहड़ा आम आदमी पार्टी नूं समर्थन दिंदे आ, और आम आदमी पार्टी जिहड़े वादे कर रही है उन्हां दा कहना कि उह पूरे करूंगे। जिदा कि तुसी देख रहे हो स्टूडेंट भी साडे नाल है, इस टाइम असी उन्हां नाल गलबात करदे हो। की नाम जी अपना? तनु। तनु जी पढ़दे हो? हां जी। केड़ी क्लास है? 9वीं च। 9वीं च। आज जिहड़ियां सरकारां दावे वादे करदी, की लगदा कि वो पूरे हुंदे आ? बाकियां दा मैनूं पता नहीं, मैनूं केजरीवाल जी ते पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। हां जी। ती जो वादे उन्हां वल्लों कीते जा रहे उह निभाई जाऊंगे? हां जी, पूरे हो गए। जिहड़े दर्शक तुहानूं देखदे पिया, की कहना चाहोगे उन्हां नूं? मैं यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा तो ज्यादा ना केजरीवाल जी नूं वोट पाओ। अपना की नाम है बेटा? मेरा नाम खुशी है। खुशी जी की कहना चाहोगे तुसी साडे चैनल दे राही दर्शकों? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आज के साडे पंजाब च सिर्फ केजरीवाल ही आने चाहिए है, और कोई नहीं। ठीक है, पढ़ते हो तुसी? हाँ जी। ते केड़ी क्लास च पढ़ते हो? 7th। 7th दे विच। ते की अच्छा लगा कि जिहड़ियां सरकारां हैगियां, दो सरकारां साडे वड्डियां सरकारां जिहड़ी पंजाब दे विच सीगियां, उहनूं छड्ड के असी आम आदमी पार्टी नूं चुणदे पए आ? क्योंकि वह सारे गरीब मजदूरों की बेरोजगारों की मदद करते हैं, तो उन्होंने असं ऐत के फिर भी उन्होंने ही चढ़ना। जेडे होंगे अपने सीएम है कि वह जो वादे कर रहे कि जिदा बिजली का बिल माफ या नौकरियां देवे या बेरोजगारी हटावे, जेडे वो वादे कर रहे हैं, कि लगता कि यह नहीं लगता कि कांग्रेस सरकार आनी चाहिए? नहीं, सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल। बहुत बहुत शुक्रिया। जिदा कि देखा स्टूडेंट साढ़े नाल सके जेडे कि स्कूल कॉलेज के पढ़ते, उन्होंने कहा कि इस बार जी कांग्रेस सरकार, अकाली सरकार, BSP सरकार, BJP सरकार, कोई सरकार नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार ही सानू इतने चाहिए। तो कुछ होर साड़िया बीबिया भैन साढ़े नाल आ, साड़ी मातावान असं उन्होंने गलबात करते हैं। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। की नाम जी अपना? कुलदीप कौर। मैडम अज आम आदमी पार्टी की एक मीटिंग सी, उन्होंने वालों जो दावे किए गए वादे किए गए, की लगता कि वह पूरे हो गए? हाँ जी, उम्मीद तो सानू यही कि पूरे करे, वह असी उन्होंने नाल तुरे हुए हैं, असं पूरे वह करे, सा हर एक गल सुन कि नहीं, जिदा पहला दरकार आके वादे दावे करती सी, ये भी सिर्फ वादे ही करके चले जाए? पहला सरकार ने साडे नाल बहुत वादे किए सी, पर कोई पूरा नहीं किया, कोई पूरा उही उन्होंने कारण करके अज असी बंदा अपना होर नवा चुन रहे हैं। पहला असी अकालिया भी रहे हैं 10 साल, 5 साल असी कांग्रेस ना भी रहे हैं, पर साड़ी किसी ने कोई सुनवाई नहीं की, कोई सुनवाई नहीं हुई, बहुत धक्के हुए साड़े ना, पर साड़े नाल कोई खड़ा नहीं होया। कि अज लगता कि आम आदमी पार्टी वालों एक अलॉसमेंट की गई कि 1000-1000 रुपया जरा हर बीबिया भैन को मिलेगा, इदा लगता नहीं कि 1000 रुपये की जगह अपन नौकरी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो गल ठीक है, चलो जो सानू गवर्नमेंट कोई सुविधा दे रही है सानू लैनी चाहिए है, ये सुविधा सानू अज तो 5 साल 10 साल 15 साल पहला कभी भी नहीं मिली। बिल्कुल कभी भी नहीं मिली। रोजगार ज्यादा जरूरी नहीं है उन्होंने? हाँ जी, रोजगार इस तो भी ज्यादा जरूरी हैगी है, बच्चे पढ़े लिखे है, नूहां पढ़िया है, असं खुद पढ़े हुए हैं, असं इदा ही सारी उम्र अपना मेहनत गुजारा करके अपना टाइम पास किया, किसी ने कोई साड़ी हेल्प नहीं की। थैंक यू जी। दोस्तों जिदा कि हुणी तुसीं देखिया कि मीटिंग दे विच आए हुए साडियां बीबियां पैना जिन्हां ने अपने विचार तुहाडे सामने रखे, उन्हां दा कहना कि जिहड़ी भी पार्टी आई सिर्फ लारे वादे ला के चल गई, लेकिन
आम आदमी पार्टी ने जिदा दिल्ली के कुछ वादे पूरे किए उन्हों का कहना कि उसी तरीके पंजाब के भी अपने वादे से खरे उतरेंगे और असी उन्हों पूरे समर्थन रवेंगे इसी तरीके उन्होंने साथ देंदे रहेंगे और आम आदमी पार्टी इस बार पंजाब दे लिया के रहेंगे। जब तक तुम्हें देखा कि असी अज जलंधर के जेसी रिसोर्ट के आए थे जिते कि आम आदमी पार्टी वालों एक बहुत ही व्डा कट किया होया और बहुत ही व्डे पद्धर से जी इतने एक मीटिंग की गई ये आम इंसान इतने पहुंचे और आम पब्लिक ने भी अपनी राय जी ते सामने रखी। उन्होंने कहना कि इस बार सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार होनी चाहिए है। इस टाइम साढ़े नाल जलंधर हल्के तो इकबाल सिंह ढींसा जी साढ़े नाल आ जिन्हों वालों ये सारा इंतजाम किया गया सी मीटिंग इन्हों वालों की गई सी जिहड़ा एक शक्ति प्रदर्शन जिन्हों वालों किया गया सी उन्हां नाल तुहाडी मुलाकात कराने। सब तो पहला सर सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर। अज जिहड़ा इत्थे मीटिंग की जा रही है अज मीटिंग की गई बहुत ही सफल मीटिंग रही है। ये लोगों ने बहुत वड्डी कृपा की आ ये जन सभा जिहड़ी अज कराई जा रही सी ये पंजाब सारियां कॉन्स्टिट्यूएंसियां दे विच हो रही आ। सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी च सानू मिली आ सारी संगत ने साडे नाल इस गल का साथ दे के बहुत ही क्योंकि जन सभा जिहड़ी आ ये जन सैलाब दे नाल दे नाल के ये जिहड़ी प्रोग्राम सी ये रैली का रूप धर के इन्हां सारिआं ने साडा साथ दित्ता आ। सारी 23 वाडां आ 23 वाडिआं दे सारी वर्कर साहिबान लीडर साहिबान ब्लॉक प्रधान जिहड़ा महला साडे प्रधान आ उह सारिआं ने साडा बहुत लंबे तौर पर साडा साथ दित्ता आ ते जिहदे नाल साडी ये जिहड़ी अज जन सभा सिख रैली के रूप में आई। बिल्कुल सर की उम्मीद की थी कि इन्ना ज़्यादा रश जरा इन्ना ज़्यादा कट हो के अज उभरिया है ये उम्मीद की नहीं जे सच कही तो असी बहुत चंद चे स्नेह लाए सी पर कई वर्क अज का वर्किंग डे सी सानू इस गल का कोई ख्वाब भी नहीं सी कि 300-400 बंदा हो जूगा पर जो 3000 बंदा हो गया क्योंकि लोग अज की डेट से चाहते आ कि आम आदमी पार्टी एक मौका केजरीवाल साहब को देना चाहिए। ठीक है ये सर इतने आई असी पब्लिक ना भी गलबात की और पार्टी वालों जोड़े कि वादे दावे किए गए साढ़े तीन इन्होंने आए आ कि एक तो बिजली का आया कि बिजली फ्री यूनिट फ्री दूसरा हैल्थ का आया कि हैल्थ टोटल फ्री तीसरा वादा जोड़ा आया आ बहुत व्डा वादा केजरीवाल साहब ने किया आ जिस ना कि 1-1000 रुपया 18 साल तो उपर बच्चियों मावां नूं दादियां नूं ते नाल जिहड़ी पेंशन आ रूटीन च चलनी आ। मैं केजरीवाल साहब दा इस करके बहुत ज़्यादा धन्नवाद इस स्कीम करके करदा कि इहदे नाल भरूण हत्या ते बहुत वड्डा हत्थ पाया। मतलब कि बाहर रह के सरकारां इत्थे 70 साल का काम कर रही उन्हां दे कदी दिमाग च नहीं आया कि सिर्फ कह देना उहदे नाल काम नहीं खत्म हुंदा। उन्हां देखिआ कि भरूण हत्या पंजाब दे विच काफ़ी हो रही आ क्योंकि बच्चियां एक तरह का साडियां धीआं जिहड़ियां आ जग जननियां आ उन्हां नूं भरूण हत्या तो बचाउण लई जां उन्हां दे दिमाग च गल आई है कि जिहड़ा घर आ उह सिर्फ ते सिर्फ एक लेडी चलाउंदी आ क्यों ना उहनूं घर चलाउण वास्ते जे घर दे विच 3-4 लेडीज़ होणगीआं तां 3-4 हज़ार रुपया आऊगा। बिल्कुल सर अगर लेडीज़ की गल करिए जिदा आम आदमी पार्टी वालों 1000 रुपया हर महीने देने की गल की है तुहानूं नहीं लगता कितने ना कितने सरकार नूं जिहड़ी तुहाडी सरकार हैगी उहनां नूं पैसे की बदौलत जिहड़ा उहनां नूं रोज़गार देने की भी गल की जानी चाहिए सी। रोज़गार तो उन्होंने देखो टीचर्स आंदे ही कहता जिहड़ा पंजाब का चीफ मिनिस्टर चन्नी वह कह रहा जिहड़े टैंके दे चढ़े उन्होंने परचे दे दिओ वह कहिंदे आ कि तुसीं थल्ले आ जाओ मेरी सरकार आउण दे मैं तुहानूं सब नूं पक्के करूँगा। रोज़गार तो सब तो पहला देना उन्होंने रोज़गार की गल तो उन्होंने सब तो पहला की उन्होंने सिर्फ टीचर्स आके मिलने की गल की आ कि मैं सिर्फ टीचर्स मिलना होर मैं कोई गल नहीं करनी। नौकरियां लैके भी गलबात हुई नौकरी तो देखो पंजाब 1 लाख तो वध जिहड़ियां नौकरियां वह खाली वैकेंसियां पईआं आ जिहड़ियां भर नहीं भरदे नहीं पए झूठ कही जांदे 36,000 भर दित्ती ते अज देखो ग्यासपुरा साहब आया 8 किलोमीटर तुर के आए वो 36,000 जिन्हां नूं क्या पक्का कीता सारी सड़कां ते बैठे। बिल्कुल करोड़ां अरबां रुपए दे इन्हां ने बोर्ड लाते असीं आह कीता एक भी चीज़ जे कीती आ सरकार ने ते उह लोक इन्ना इकट्ठ क्यों करदे पए आ लोग इस गल नूं समझ गए आ कि इह झूठ बोलदे आ इह झूठे केजरीवाल साहब बनना चाहुंदे आ जो केजरीवाल साहब ने कहा वह करना। कांग्रेस ने हमेशा लुटिया तो कुटिया ही आज भी देखो टीचरों कि मारिया इन्होंने मतलब ये कोई गल थोड़ी है कि बच्चा तुहाडे कोल 15 साल तो टीचरों कच्चा ही चलाया वो कहिंदे पक्का करो पक्का कर दिता कह दिता या करना किसी नूं। ठीक है तो सर अज जिहड़े पार्टी दे विच किहड़े किहड़े अधिकारी इत्थे मौजूद ने पहुंचे सीगे साढ़े इत्थे मुख मेहमान ग्यासपुरा साहब सीगे ते माली साहब आए सीगे जी वैस तो शर्मा जी आए सीगे नॉर्थ तो बाकी बग्गा जी आए सी वैस तो साढ़े
पार्टी के प्रधान भी आ ते हलका इंचार्ज आ आई जी ओलंपियन सोढ़ी साहब सुरेंद्र सिंह सोढ़ी साढ़े सैकटरी आ सुभाष चंद्र जी सारी समुची टीम जी मतलब साढ़े जलंधर की आ वह इतने हाजिर हुई है उन्होंने सारी जनता का बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया क्योंकि लोग जड़े आ ये कोई सियासी तौर पर नहीं आए सी साढ़े च ये नहीं कि कोई कौंसलर सेगा कोई MLA साहब आए सी कोई MP नहीं ये सारी जनता आई सी जिहड़ी कि इस दोनों सरकारां तो बहुत दुखी आ ते वो चेंज चाहुंदे आ कि एक मौका असी केजरीवाल साहब नूं देना है। बिल्कुल सर अज साडे चैनल दे राही जनता नूं की मैसेज देना चाहोगे की कहना चाहोगे कि एक मौका सिर्फ केजरीवाल साहब नूं दिओ कि जे आपां इस सोहणे पंजाब नूं ये हरे भरे पंजाब नूं आपां करने आ ये लुट्टण वाला पंजाब नहीं बन देना ये सिर्फ तो सिर्फ इक्को ही चीफ मिनिस्टर आ पूरी हिंदुस्तान दे विच जिहड़ा इस पंजाब नूं बचा सकदा आ ये लुटेरियां तो ये करप्शन तो ये राजगिरी तो वह सिर्फ केजरीवाल साहब आ एक मौका केजरीवाल साहब नूं देण दी असी अपील कीती आ लोकां ने इस गल का विश्वास दवाया कि इस बार जिहड़ा एक एक वोट आ वह केजरीवाल साहब नूं पाई आ मैं लोकां दा ते मीडिया के थ्रू सारे इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का धन्यवाद करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। सो ये तुसीं देखिया साढ़े नाल इस टाइम सीगे सेंटर हल्के तो जिहड़े एक आम आदमी पार्टी के आगू इकबाल सिंह ढींसा जिन्हां ने अपने विचार तुहाडे सामने रखिया जिन्हां दे वल्लों इकट्ठ किया गया सी एक पब्लिक मीटिंग की गई सी जिन्हां ने उम्मीद नहीं की सी कि इह मीटिंग दे विच इन्ने ज़्यादा बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लोगे और लोगों ने भी अपनी राय तुहाडे सामने रखी आ पब्लिक ने भी अपनी राय तुहाडे सामने रखी आ तुहानूं की लगता कि इस बार किहदी सरकार होनी चाहिए है ये तुसीं देखना तुसीं जानना निडरता और सच्चाई दे नाल देश दुनिया दीयां तमाम खबरां देखण लई अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब करो अते बैल बटन दबाओ। कैमरामैन सतपाल वर्मा दे नाल मैं सुनील कुमार जलंधर सिटी।